सो so, क्या आपने भी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी रिसेंटली अभी एक दो साल पहले शुरू की है या आप भी उन लोगों में से हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट कैसे अच्छे स्टॉक्स पिक करें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सो so, आज के इस वीडियो में हम एक कैंस्लिम स्ट्रैटेजी जो कि एक टेक्नो फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब टेक्नो फंडामेंटल का मतलब ये हुआ कि इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का यूज़ होता है आपको जैसे पता ही होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से हम अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम उन स्टॉक्स को कब बाय करें और कब सेल करें विच uh, मीन्स कि हम उन स्टॉक्स में कब एंटर हों और कब एग्जिट करें ये सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं तो इन दोनों स्ट्रैटेजी की मदद से एक स्ट्रेटेजी डिराइव्ड हुई है कैंसिलिम स्ट्रेटेजी कैंसिलिम स्ट्रैटेजी फेमस इन्वेस्टर विलियम ओ नील ने डिवेलप की थी इस सिस्टम में उन्होंने एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जिसकी मदद से एक आम इन्वेस्टर अच्छे ग्रोथ स्टॉक पिक कर सकता है और बाय यूजिंग बोथ टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस वर्ड कैंसिलम का हर एक लेटर एक पर्टिकुलर की फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो सो कैंसिलिम वर्ड में सी अल्फाबेट करंट क्वार्टरली अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करता है करंट क्वार्टरली अर्निंग्स का मतलब यह है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी के किसी ईयर के पर्टिकुलर क्वार्टर का ई उसके लास्ट ईयर के उसी क्वार्टर के ई के कंपैरिजन में एटलीस्ट बीस परसेंट ज़्यादा होना चाहिए इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी का 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड क्वार्टर का ई पी है तो उसके फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब दो हज़ार के सेकंड क्वार्टर का ही ईपीएस पी एटलीस्ट बारह रुपये होना चाहिए मतलब 20 परसेंट ज़्यादा होना चाहिए सो इन शॉर्ट किसी कंपनी का किसी क्वार्टर का ईपीएस उसके लास्ट ईयर के क्वार्टर के ईपीएस से एटलीस्ट 20 परसेंट ज़्यादा होना चाहिए सो so, इस रूल को फॉलो करके हम उन अच्छी कंपनीज को ईजिली शार्ट कर सकते हैं जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही हो सो कैंसिलिंग वर्ड में ए अल्फ़ाबेट एनुअल अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में लास्ट पाँच साल में उसकी सेल्स अर्निंग्स और नेट प्रॉफिट में एटलीस्ट बीस परसेंट की ग्रोथ दिखनी चाहिए सो so, अगर बीस परसेंट की ग्रोथ दिखती है तो इस रूल से आप उन कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं जिसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है और जो प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी रखती हैं सो कैंसिल वर्ड में एन अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जैसे कि आपको भी पता है कि 2020 हज़ार के बाद बहुत सारे बिजनेसिस बंद हो गए बट कुछ बिजनेसिस जो अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर पाए या उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल पिवर्ट किया या फिर वो न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च कर पाए वो बिजनेसेस अभी भी सरवाइव कर रहे हैं सो लॉन्ग टर्म में वही बिजनेसेस कामयाब होते हैं जो अपने आप को टेक्नोलॉजी या बाहर लिए फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को इनोवेट कर पाएँ सो so लोग एप्पल और रिलायंस को इसलिए ही पसंद करते हैं क्योंकि ये कंपनीज़ अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रही हैं या न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ला रही हैं सो so, इस रूल के अकॉर्डिंग आप उन कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जो या तो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपग्रेड कर रही हो या फिर वो कंपनी टाइम टू टाइम न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाती है कैंसलिंग वर्ड में एस वर्ड का मतलब है सप्लाई एंड डिमांड किसी भी शेयर प्राइस की वैल्यू इसलिए ही लॉन्ग रन में ऊपर जाती है क्योंकि उस शेयर की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा होती है क्योंकि ऑब्वियसली जब वो शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी तभी वो लॉन्ग रन में ऊपर जाएगा आ, किसी भी कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिमिटेड ही होते हैं बट अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करती है तो वो उस सप्लाई को लिमिट कर रही है या फिर उस अपने शेयर्स की सप्लाई को डिक्रीज कर रही है तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करे तो हमें उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का जरूर सोचना चाहिए कैंसिलिंग वर्ड में एल अल्फाबेट का मतलब है लीडर सो so, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हमें उस इंडस्ट्री के टॉप कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जब भी कोई सेक्टर ग्रो करता है तो टॉप कंपनीज उस सेक्टर की पेस से ही ग्रो करती हैं और इसका एक और एडवांटेज है कि जब भी कोई रिसेशन आता है या ओवरऑल इकनॉमी में भी रिसेशन आता है तो उस सेक्टर की टॉप कंपनीज ही सर्वाइव कर पाती हैं आपने खुद पेंडेमिक के टाइम देखा ही होगा जो लोअर कंपनीज़ होती हैं वो मोस्टली बैंक हो जाती हैं इंडिया के केस में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आई सेक्टर की बात करें तो इन्फोसिस विप्रो और टी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं कैंसिल वर्ड में आई अल्फाबेट का मतलब है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हमें उस कंपनी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का परसेंटेज या होल्डिंग ज़रूर चेक करनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मेरा मतलब यहाँ पे है म्यूचुअल फंड्स हेज फंड्स या इन्वेस्टमेंट बैंक्स या और भी जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर्स जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट में करते हैं प्लस इनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं किसी कंपनी को एनालाइज़ करने के लिए तो ऑब्वियसली जब भी ये बड़े इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी अच्छी ही होगी इसलिए किसी कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के होल्डिंग का कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है सो कैंसलिंग वर्ड में लास्ट अल्फाबेट एम का मतलब है मार्केट डायरेक्शन मार्केट डायरेक्शन को अगर आपको चेक करना हो या मार्केट ट्रेंड को आपको पता करना हो तो आप सेंसेक्स या निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं तो आपको उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सेंसेक्स या निफ्टी को या मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक भी ऊपर जाए अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वो स्टॉक भी नीचे आए क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाती है इवन दो लाइक शॉर्ट टर्म में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं बट लॉन्ग टर्म में वो ग्राफ ऊपर ही जाता है तो अगर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म में मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है तो इससे क्लियर ये इंडिकेशन है कि वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में मार्केट को फॉलो करेगा यानी वो लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा सो so, ये मतलब हुआ मार्केट डायरेक्शन को फॉलो करने का सो कैंसलिंग स्ट्रेटजी की एक शॉर्ट समरी ऐसी हुई कि आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका करंट ई 20% से बढ़ रहा हो और उनका एनुअल ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ सेल्स इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट्स और अर्निंग्स भी 20% से कंटिन्यूसली लास्ट पाँच साल से बढ़ रही हो वो कंपनी न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करती रहे सो so, जब भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली उस कंपनी की शेयर की डिमांड भी बढ़ती है और अगर वो कंपनी अपने शेयर्स बाईबैक करे तो वो सप्लाई रिड्यूस करके अपने कंपनी के शेयर की डिमांड और इंक्रीज कर देगी वो कंपनी अगर अपने सेक्टर में एक मार्केट लीडर है तो एक ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है उस कंपनी में अगर कॉन्टीन्यूसली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ रही है तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है और अगर वो कंपनी का स्टॉक मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को लॉन्ग टर्म में फॉलो करता है तो ऑब्वियसली वो आपको अच्छे रिटर्न्स ही देगा सो ये थी कैंसलिंग स्ट्रेटजी सो so होपफुली आपको ये कैंसिल स्ट्रैटेजी सिंपल वर्ड्स में समझ आई होगी और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपने लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अपने डाउट्स कॉमेंट करें या अपने व्यूज़ कॉमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो कोई भी फॉलो कर सकता है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे फिनलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें सो दिस इज़ अनमोल शर्मा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय